गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सीबीडीटी और चुनाव आयोग की रिपोर्ट में अभी प्यादों के नाम सामने आए हैं। एमपी में कानून का राज है, यहां ना प्यादे बचेंगे और ना उनका सरगना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कमलनाथ के राज में करप्शन के मामले में जिनके भी नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में कोई संशय नहीं है। सीबीडीटी और चुनाव आयोग की रिपोर्ट आ गई है, एमपी में कानून का राज है, सामने जो दिख रहे हैं वो बस प्यादे हैं, सरगना भी नहीं बचेंगे। दोषी कोई भी हो कार्रवाई होगी, कांग्रेस कितना भी ट्विस्ट करे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा 28 को रिपोर्ट के बाद कमलनाथ का संन्यास वाला बयान सामने आया, हम कहते थे बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है, ये साबित हो गया, कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्ट सीएम है, साबित होंगे। अब कार्रवाई में क्या संशय है जिसमें सीबीटीडी की रिपोर्ट आ गई हो, जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह के भेज दिया हो, उसमें कार्रवाई का क्या संशय है? ये मध्य प्रदेश है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो मोहरे हैं, सरगना भी नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहो। दोषी कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी, और इसलिए ये तय मान के चलो कांग्रेस कितना भी ट्विस्ट कर ले इसको किसी और, उसकी बिंदु से जांच हुई है, अप्राइजल रिपोर्ट आ चुकी है, अप्राइजल रिपोर्ट में नामों के खुलासे सबके हो गए, इसलिए अब किसी और ये जो भी बात करे। देखो मित्रों 28 तारीख को आई है और छिंदवाड़ा का बयान आया है उसके बाद, मतलब वो लोगों को मालूम था कि मुझे संन्यास क्यों लेना है, आराम करना क्यों चाहते हैं। अब कहाँ चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है, पर क्यों चाहते हैं ये स्पष्ट था अप्राइजल रिपोर्ट के बाद। हम तब भी कहते थे कि मध्य प्रदेश का बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है, अब सिद्ध हो गया। हम तब भी कहते थे कि सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कांग्रेस सरकार है, सिद्ध हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सदी के मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ है, अब सिद्ध हो जाएगा। मिश्रा ने कांग्रेस के उपवास पर तंज कसा और कहा कि इन्होंने इतना खाया है कि वे अब उपवास की डाइटिंग करनी पड़ रही है। उन्होंने बंगाल में चुनाव समिति सदस्य बनाए जाने पर हाईकमान का आभार जताया और कहा कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जमीन पर जाएगा। उपचुनाव में क्या हश्र हुआ ये सबने देखा है। एक्चुअल में इतना ज्यादा खा गए मध्य प्रदेश को, ओवर ईटिंग हो गई तो डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। चौतरफा खाया है, आंगनवाड़ी का, बच्चों का, कुपोषण का माल राहुल गांधी तक खिला दिया। ये नहीं मालूम था कि मोदी जी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, यहां कोई भ्रष्टाचार वाला बचेगा ही नहीं। अब आप देख लीजिए ओवर ईटिंग का परिणाम डाइटिंग तक आ रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।